रोजगार की बात की थी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। यहाँ है कोई एक युवा है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिया? ये देखो, एक युवा नहीं है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने वायदा पूरा किया। चीन के साथ हमारा मुकाबला मैं आपको सीधा बता देता हूं, चीन की सरकार हर 24 घंटे 50,000 युवाओं को रोजगार देती है। 24 घंटे में 50,000 युवाओं को चीन की सरकार रोजगार देती है। हमने यह सवाल लोकसभा में पूछा, नरेंद्र मोदी जी के मंत्री से पूछा कि देखिए जहां भी हम जाते हैं मोबाइल फोन पे, शर्ट पे, पैंट पे, जूतों पे मेड इन चाइना लिखा होता है। आपने मेड इन इंडिया का वायदा किया था, आप ही बताइए 24 घंटे में हिंदुस्तान की सरकार कितने युवाओं को रोजगार देती है? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूं, उनके मंत्री का जवाब बताता हूं। चाइना की सरकार 50,000 युवाओं को 24 घंटे में, और नरेंद्र मोदी जी का मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड डाउन स्टैंड अप इंडिया, सबके सब प्रोग्राम मिला लो और पूरे हिंदुस्तान में 24 घंटे में 450 युवाओं को रोजगार मिलता है। शर्म की बात है, ये जो कोना है इतने लोगों को नरेंद्र मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में 24 घंटे में रोजगार देते हैं। दूसरे तरीके से बताता हूं, जो काम चीन की सरकार 2 दिन में करती है उसे करने में नरेंद्र मोदी जी को सरकार को 1 साल लग जाता है। ये सच्चाई है? नहीं, ये सच्चाई है। झूठे वायदे। अच्छा काले धन की बात करते हैं, पिछले साल 8 नवंबर नरेंद्र मोदी जी ने आप सबको बैंक के सामने खड़ा कर दिया, 500 रुपए 1,000 रुपए का नोट रद्दी कर दिया, भूल गया? याद है ना? याद है, कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काला धन मिटाने जा रहा हूं। क्या काला धन कम हुआ? क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? क्या योगी जी ने भ्रष्टाचार मिटा दिया, मोदी जी ने मिटा दिया? उसके बाद हिंदुस्तान के सब छोटे दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को गब्बर सिंह टैक्स लगा के मारा। आप मुझे एक बात बता दो, नरेंद्र मोदी जी की कौन सी योजना ने आपको फायदा पहुंचाया? मुझे नाम बता दो। स्वच्छ भारत हो गया साफ हिंदुस्तान, मेक इन इंडिया मिल गया रोजगार, बैंक के सामने खड़ा कर दिया, कहते काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ। और आप बताओ मुझे, आपने बिल्कुल सही बात बोली, देखो किसान किसान कर्जा माफ की बात करता है, अरुण जेटली जी कहते हैं हमारी योजना नहीं, 6 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 उद्योगपतियों को माफ करना जा रहे, करने जा रहे, उसमें से आपको 1 रुपया नहीं मिलने वाला है, पूरा का पूरा फायदा 15 लोगों को, और आपके बीच में लड़ाई कराते हैं, एक जात की दूसरी जात से लड़ाई, एक धर्म की दूसरे धर्म से लड़ाई। ये है नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का काम। मनरेगा हमने दिया, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली। यहां जो हाईवे लगी है हमारा काम है भाई, सही अगर नेशनल पेपर मिल, नेशनल पेपर मिल हम यहां लाना चाहते हैं, 10,000 लोगों को रोजगार मिलता, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कैंसिल कर दिया।
आप मुझे बताओ कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी योजना उन्होंने दिलवाई। सौतेला व्यवहार करते हैं, आपको चोट मारते हैं, जो आपका था आपसे छीनते हैं और फिर लंबे लंबे भाषण करते हैं।